नमस्ते क्लास, क्लास सेवेंथ। एक दिन वीडियो बना चुके हैं हम लोग, साइंस का क्लास चल रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल पे बातें हो रही हैं। एक दिन के क्लासेस में आपको क्या बताया गया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, पहले बात कर लिया गया व्हाट इज़ मटेरियल। मटेरियल होता है कोई केमिकल सबस्टांस, मैटर। मैटर थोड़ा साइंटिफिक कर लिए कि इट शुड हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, इतना बात कर लिए थे हम लोग। और ये भी समझ लिए थे कि मैटर जो होता है मेड अप बाई पार्टिकल्स, और उसी पार्टिकल का नाम एटम कह लो, उससे बड़ा कर लो तो एलिमेंट कह लो, उससे बड़ा कह लो तो कंपाउंड कह लो, उससे बड़ा कह लो तो मिक्सचर कह लो। कोई भी मैटर का अपना प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी का आंसर कि वो प्रॉपर्टी क्यों है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल पर डिपेंड करता है। दैट पार्टिकल एटम एलिमेंट कंपाउंड। ठीक, अब हम इतना तक इन्फॉर्मेशन लिया गया, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिया गया अबाउट केमिस्ट्री मटेरियल। और बात ये कहा जा रहा है कि अब ये हमारा जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल कई टाइप के होते हैं। तीन टाइप के मटेरियल समझा जा रहा है। नंबर वन, एसिडिक मटेरियल, बेसिक मटेरियल। एसिड और बेस आपस में अपोजिट, ऐसा सेंस लो, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव समझता है ना, आगे और पीछे, दाएं बाएं। सिमिलरली एसिडिक और बेसिक एक दूसरे के अपोजिट टाइप का कंसेप्ट है। ठीक, हाँ, अगर कोई मटेरियल ना एसिडिक है ना बेसिक है तो उसे एक नया कैटेगरी दिया गया, न्यूट्रल है। पहचान करने की बात स्टार्ट की गई तो टेस्ट करके पहचान करने की बात की गई। अगर सावर इन टेस्ट है, खट्टा लगता है तो एसिडिक है। होपफुली आप बुक से एक टेबल दिया है, उसे आप याद कर लिए होंगे कि कौन से फूड में कौन सा एसिड मिलता है। याद करोगे तुम्हारा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगा, किसी को बताओगे तो लोग कहेगा बार भया बड़ा भयंकर पढ़ाई करता है। तो ये समझना है आपको। ठीक है, बेस का भी सोर्स और उसका नाम दिया हुआ है, याद कर जाइए, नो प्रॉब्लम। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बेस के बारे में, बेस बिटर इन टेस्ट, बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर, बेस बिटर इन टेस्ट, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आसान बात है। ठीक, इतना तक हो गया था। और यहीं पर एक बात समझ में आया था कि सर क्या कह रहे हो आप ये कह रहे हो कि हर एसिड को टेस्ट करके देखेंगे, हर मटेरियल को टेस्ट करके देखेंगे कि वेदर इट इज़ एसिड और बेस, तो चाटेंगे, एसिड को चाटा जाएगा सर। कुछ एसिड होते हैं जो आप खा सकते हो, ठीक, नींबू का रस पी सकते हैं, खा सकते हैं, कोई विशेष तकलीफ नहीं है, लेकिन कई सारे और भी हैं जिनमें तकलीफ है, सराउंडिंग में भी तकलीफ है। एक सेकंड, चलो, तो क्या कह रहे थे, तो हर केमिकल को आप टेस्ट करके नहीं देख सकते, तो उसके लिए कुछ अलग सा मेथड अपनाया गया। कुछ एसिड तो सुन के ही नाम में डर लगता है, एसिड है, चाटेंगे भी नहीं। ठीक, तो हमारे पास कुछ मटेरियल पड़े हैं जो अपना कलर बदल सकते हैं। कोई है अपना खास तरह का कलर है, अगर उस पर एसिड डालेंगे तो एसिड के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेंगे। ठीक, बेस डालेंगे तो कुछ और कलर चेंज कर देंगे। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल हमें मिल जाए जो एसिड और बेस के आने से अपना कलर चेंज कर लेता है, तो उसे तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट भी नहीं करना पड़ा अपने से, हम बस उस पर डाल देंगे, कलर बदल कर बता देगा कि हाँ भाई वो एसिड है कि बेस है, क्योंकि आँखों से देख के नहीं लग सकता कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है जो इंडिकेट करे कि कौन एसिड है और कौन बेस है, उसे हम लोग कहते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर कोई मटेरियल है जो इंडिकेट करेगा, दैट इंडिकेट, आसान भाषा, दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। कैसे इंडिकेट करता है, बाय चेंजिंग देयर कलर, अपना कलर को चेंज करके बता देगा कि एसिड है कि बेस है, आसान बात कह रहे हैं, वेरी सिंपल। अब ये इंडिकेटर हमारे पास नेचुरल पड़े हुए हैं,
मतलब नेचर में भी अवेलेबल है। तो शुरुआत में आपको नेचुरल कुछ पढ़ लेना है। जैसे हम पहला नेचुरल की बात करें तो एक एक, एक वर्ड है लिटमस। ये क्या हुआ? ये केमिकल का नाम हुआ। अभी आपको मिलेगा टर्मरिक, हल्दी। आप हल्दी बोलते ही आप समझ जाते हैं हाँ हल्दी हल्दी है, उससे ज़्यादा कुछ समझते नहीं हो, हाँ तुम देखे हुए हो। सिमिलरली लिटमस, लिटमस है केमिकल का नाम है, मटेरियल का नाम है, तुम देखे नहीं हो तो थोड़ा परेशान होते हो। तो लिटमस ये आपको पेपर के रूप में भी मिल सकता है या सॉल्यूशन के रूप में भी मिल सकता है। पेपर के रूप में भी हल्का फुल्का कहीं देखने को मिल जाता है, आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है। तो लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, इस लिटमस पेपर पे, लिटमस पेपर का खुद का अपना कलर पर्पल होता है। हर मटेरियल का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टी होता है। तो हमारे पास एक लिटमस पेपर है। हम इस इंडिकेटर वर्ड को और क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मान लो दिस लिटमस को, इस लिटमस को हम कह रहे हैं ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर है एसिड और बेस का। तो और इसको एलबोरेट कर रहे हैं, मतलब क्या है सर? तो पर्पल कलर का लिटमस का एक पेपर था, हमने इस पेपर पे या सॉल्यूशन पे हमने एसिड डाल दिया। नींबू का रस, नींबू के रस में एसिड होता है, आप एक बूंद नींबू का रस उस पर ड्रॉप कर देते हैं तो देखने को क्या मिलता है, जो पर्पल कलर का था लिटमस पेपर उसका कलर रेड हो जाता है, टर्न रेड, लाल में बदल जाता है। तो ये एक पहचान हो गया कि अगर लिटमस पेपर का कलर लाल हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर एसिड है। क्यों लाल हुआ ये आप नहीं जान सकते हो, बहुत छोटे स्तर पे हो, ठीक। हाँ आप अभी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो कि यस रेड होना इंडिकेट करता है। अब आपके सामने तो लिस्ट दे दिया है और वो आप किताब समझ रहा है कि आपके पास लिटमस पेपर है, किताब समझ रहा है कि आपके पास नींबू भी है, आपके पास टमाटर भी है, आपके पास इमली भी है, आपके पास 50 तरह की चीज़ें हैं और आप उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल डाल के उसके कलर को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जब जब रेड रेड होगा तो आप लिख रहे हैं कि इसमें एसिड है, इसमें एसिड है। और अगर हम बेस डालते हैं तो वो ब्लू कलर कर देता है। किसको? पर्पल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। या एक और ध्यान से सुनना, रेड लिटमस पेपर पर भी डालेंगे ना, रेड क्यों हो गया था? उस पे एसिड डाला गया था तो पेपर का कलर चेंज हो चुका है, रेड हो चुका है। अब उस रेड वाले पर अगर हम बेस डालेंगे, बेस जनरली आपको साबुन में मिल जाएगा, टूथपेस्ट में मिल जाएगा, ठीक। तो अभी बुक में भी कई सारे नाम दिए हुए हैं, आप जब डालेंगे तो वो रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, ब्लू लिख ब्लू से बना भी रहे, ठीक। बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, मैचिंग कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर इन टेस्ट, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू इन कलर। किसके लिए? सिर्फ लिटमस के लिए, ध्यान समझिएगा। अभी और भी इंडिकेटर आने वाले हैं तो उनका अपना कुछ कलर होगा। कंसेप्ट ये है कि रंग बदल कर बता देंगे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। सबका रंग अपना अपना है। अगर लिटमस की बात करेंगे, व्हाट इज लिटमस? इट इज़ द इंडिकेटर जो इंडिकेट करेगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। आसान बात कह रहे हैं, नेचुरल है यानी नेचर से मिलता है। थोड़ा सर्च ये करते हैं कहाँ से मिलता है, तो दैट इज ऑब्टेंड फ्रॉम लाइकेन। एक लाइकेन नाम का ऑर्गेनिज्म है, बड़ा खतरनाक है ये, आपको बताते हैं। लाइकेन बड़ा अजीब है। एक कहीं आप सुने होंगे, चाहे घबराइए नहीं, अलगी फंगी, फंगी तो सुने होंगे, मशरूम खाते हैं ना आप तो वो फंगस है। आजकल मार्केट में ब्लैक फंगस भी चल रहा है। अलगी मतलब प्लांट, सबसे छोटा प्लांट को अलगी कहते हैं, जिसमें रूट शूट भी ना निकला हुआ हो, इनिशियल शुरुआत के प्लांट को अलगी नाम दिया जाता है। काई वाई वगैरह कहते हैं आप, अगर घरों के आंगन वंगन में कहीं पे काई लग जाता है तो वो अलगी ही है। तो अलगी और फंगी एक दिन दोनों आपस में भेंट की और कंबाइंड होकर लाइकेन बन गए और कहें कि हम लोग अब साथ ही रहा जाएगा, जीना मरना साथ साथ, ठीक। तो लाइकेन एक नया टाइप ऑफ लाइफ बन गया,
ठीक, जिसके अंदर दो दो लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकार से सट के बैठे हैं कि समझ में नहीं आता है कि एक है कि दो है। ये अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब अगर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 टॉक्सिक, मतलब अगर कहीं पर ज़्यादा पॉल्यूशन है तो यहाँ पे नहीं रह पाते हैं, मर जाते हैं। तो अगर कोई ये देख रहा है कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा लाइकेन है, इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम है, और किसी एरिया में लाइकेन की संख्या बहुत कम है तो ये समझा जाता है कि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। और पॉल्यूशन में एयर पॉल्यूशन में धुआं में कई सारे गैसेस होते हैं, एक ये गैस के लिए खास बेचारे सेंसिटिव हैं, ध्यान रहेगा। इसी लाइकेन से कैसों करके लिटमस निकाला जाता है, ठीक, और उस लिटमस को पेपर के रूप में मार्केट में बेचा जाता है या सॉल्यूशन के रूप में बेचा जाता है। पेपर इसलिए कि नींबू का रस तुम उस पर डाल सकते हो, पेपर पे कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो जला देते हैं, ठीक, सुनते भी होगे। अब वो जलने वाला एसिड को अगर हम पेपर पर डालेंगे तो पेपर जल जाएगा, रंग क्या बदलेगा, जल के काला पड़ जाएगा। तो हम सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन मतलब मिक्सचर, एक गिलास में रहेगा, उसमें एक दो बॉन्ड ड्रॉप डालेंगे, वो खुद वो भी लिक्विड है, ड्रॉप डालेंगे तो पूरे सोल्यूशन का कलर बदलेगा, रेड होगा तो एसिड है, ब्लू होगा तो बेस है, लिटमस के लिए। ये हमारे नेचुरल इंडिकेटर हो गए, ऑब्टेंड फ्रॉम नेचर। अब ऐसे ही करके हल्दी के बारे में भी बात है, ठीक, एक और है, हम इसको मिटाने के बाद लिख देंगे, टर्मरिक है, टर्मरिक पर भी, टर्मरिक का अपना कलर हो गया, एसिड डालेंगे तो क्या कलर बनेगा, बेस डालेंगे तो क्या कलर बनेगा, सिर्फ आपको याद कर लेना है, ठीक। उसके बाद चाइना रोज है, गुड़हुल का फूल है, फूल के पत्तों में कलर होता है, उसको भी लेके थोड़ा पीस पास के बना लेते हैं, ठीक, उस पर भी आप एसिड डालेंगे बेस डालेंगे तो वो अपना कलर दिखाएगा। तो दो और है, हम अभी इसको मिटा कर लिख देते हैं, सिर्फ आपको यही याद करना है कि चाइना रोज के सॉल्यूशन में जब एसिड डालेंगे तो कैसा रंग आता है, हर बार लाल नहीं होगा, लाल लिटमस के लिए है, नो प्रॉब्लम, आसान बात कर रहे हैं। तो इंडिकेटर समझ में आने वाला बात है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो इतना सारा बात हम बता दिए हम आपको, आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, तब तक हम इसको जादू से गायब कर देते हैं, ठीक, जादू आता है हमको, चलो जादू कंप्लीट। और बोर्ड पे नया चीज़ आ चुका है, जैसे कि अभी जस्ट कह ही रहे थे कि इंडिकेटर्स के सिर्फ आपको नाम, जैसे कि दूसरा इंडिकेटर आ गया टर्मरिक, हल्दी है, हल्दी का अपना कलर होता है, हल्दी पर अगर एसिड डाला जाए या कोई न्यूट्रल डाला जाए तो उसका कलर येल्लो होता है, हल्दी का कलर येल्लो होता ही है, यानी हल्दी क्लियर कट एसिड के बारे में कुछ नहीं समझाने वाला है, हाँ बेस के बारे में समझा देगा, बेस अगर हल्दी पे पड़ेगा तो वो रेडिश ब्राउन का कलर दे देगा। बेस में अगर आप बात कर लें तो साबुन में, सोप में बेस होता है, तो कभी खाना पीना गिर गया हो कपड़े पर, जब साबुन का इस्तेमाल किया जाता है तो हल्दी का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, कलर का चेंज होना ये बताता है कि वहाँ पर बेस था। बस प्रैक्टिकल देखोगे आपके बुक में जो दिया है प्रैक्टिकल, बस उसको थोड़ा थोड़ा देख लो, अदरवाइज याद करने वाला बात इतना ही था। इसमें कन्फ्यूजन यहाँ रहेगा कि न्यूट्रल भी डालेंगे तो भी येल्लो, एसिड डालेंगे तो भी येल्लो, ये खुद येल्लो, बेस डालेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चाइना रोज फ्लावर का नाम है, आपके बुक में लिखा है उसका बॉटनिकल नेम, सबका स्कूल का नाम होता है, स्कूल का नाम है रोज़ा चाइनेसिस, चाइना का है तो चाइनेसिस होगा। ध्यान देने योग्य बात ये कि इसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, इसका पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होना चाहिए, बड़े क्लास में जानोगे ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है। नाम लिख के उसके नीचे अंडरलाइन करना चाहिए, ये नियम है किसी के स्कूल के नाम लिखने को लेकर, आपके बुक में है इसलिए लिखे हैं, याद करना पड़ेगा, बुक में है तो याद करना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि कैसे बनाएंगे हम इंडिकेटर को, तो उस फूल से कुछ उसके पंखुड़ी को तोड़ लीजिए, पंखुड़ी को बायोलॉजी में पेटल कहा जाता है, कलरफुल पार्ट, पेटल को पानी में मिला दीजिए, एक दो दिन छोड़ दीजिए, बढ़िया सा एक सॉल्यूशन बन जाएगा, उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, पिंक सॉल्यूशन। उस पिंक सॉल्यूशन में जब एसिड डालेंगे, तो कलर और डार्क पिंक हो जाएगा, डार्क पिंक को मैगेंटा भी कहा जाता है,
ठीक, ये अधिकरण वाला बात हो गया। और बेस डालेंगे तो ग्रीन हो जाता है, याद रखिएगा। तो देख रहा ना आपको, ऐसा नहीं है कि हर बार एसिड डालेंगे तो रेड ही होगा, जैसा है उसके अकॉर्डिंग होगा, नो प्रॉब्लम। और बात करते हैं, ये दो, एक दो, ये तीन हो गए ना, तीन हो गए नेचुरल। कितने एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, नेम द नेचुरल इंडिकेटर ऑफ एसिड एंड बेस, तो आप बता दीजिएगा। लिटमस पेपर, वेरी फेमस लिटमस पेपर, ठीक, उसी का ख्याल ही रहता है। टर्मरिक भी है, चाइना रोज के पेटल्स भी हैं, नो प्रॉब्लम। पेटल्स क्या होता है, तो फूलों की पंखुड़ी है, कलरफुल पार्ट है फ्लावर का। सिंथेटिक इंडिकेटर हम लोग बना दिए हैं, मार्केट्स में लैब में बैठ के बना दिए हैं, केमिकलों में के इस्तेमाल से। पहला नाम दिया मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है, एसिड डालेंगे तो ऑरेंज का ऑरेंज रह जाएगा, बेस डालेंगे तो येल्लो हो जाएगा। इधर येल्लो देख रहा है, एसिड के साथ था, इधर किसके साथ है, बेस के साथ है, क्योंकि इंडिकेटर अलग है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। तो मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ येल्लो हो जाता है। एक और नाम है बड़ा अजीब सा, फेनोलेप्थलीन, फेनोलेप्थलीन, बाप रे फेंकने का मन करता है इसको, ठीक। तो फेनोलेप्थलीन खुद कोई कलर नहीं होता है, एसिड डालोगे तो कोई कलर नहीं होता है, हाँ बेस डालोगे तो पिंक, कन्फ्यूज नहीं होना है। एसिड डालते हैं, सॉरी, चाइना रोज का सोलूशन पिंक था, इधर फेनोलेप्थलीन पर बेस डालेंगे तो पिंक होता है, इतना याद कर लोगे बहुत है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए। अब हम दो मिनट की बात कर लेते हैं और आपसे ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाता, छोटा सा वीडियो, क्योंकि एक और बनाएंगे तो ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक। चैप्टर ख़त्म हो तो पता है ना, टेस्ट लेते हैं हम लोग, तैयारी भी करनी है उसकी। हाँ जी, तो क्या कह रहे थे, अभी तक आप इंडिकेटर पढ़ लिए, ठीक, आप पढ़ लिए। एसिड बेस को पहचानने का दो तरीका, टेस्ट करके पता कर लो और या इंडिकेटर पे डाल के पता कर लो। अब तुम्हारे लिए होमवर्क के नाम पे काम क्या रहेगा, आपके पास टेबल दिया हुआ है, टेबल 5.1, 5.2, 5.3, और उसी टेबल से रिलेट करके एक्टिविटी दिया है 5.1, 5.2, 5.3, ये तीनों, मतलब टेबल का तीन और एक्टिविटी का तीन, ये कंप्लीट करके कॉपी पे बना के समझ के उसको आप ग्रुप में पोस्ट करने वाले हैं, ठीक। चेकआउट कर लिया जाएगा वहाँ पर। ग्रुप में जब पोस्ट होगा तो सत्ता किसी को बात नहीं समझ में आ रही, सभी बच्चे एक समान नहीं होते हैं, कुछ बच्चे होशियार समझ गए तो उनके भी कॉपी को आप देख सकते हैं। देखने का मतलब ये नहीं कि उतार देना है, देख सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, अच्छा ऐसे बनाना है तो आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है। जिस बच्चे का जैसे हो जाए बना बना के डालते रहेगा, ठीक। जो बहुत ही गरीब बच्चा होगा, बहुत गरीब बच्चा, सबसे अंत में इंतजार करेगा, किसी के धक्के उतार देगा, तो अब देख लो तुमको गरीब बनना है कि अमीर बनना है। आसान बात कह रहे हैं, एकदम छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, ऐसे ठीक है। हम लोग कर लेंगे, लाइव भी क्लासेस करते ही हैं, बातचीत कर ही लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। तो हम जो काम कहें वो करके आइए और फिर या तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग, नहीं तो एक और वीडियो बना के दे देंगे, बात खत्म हो जाएगा, ठीक। कल का वीडियो छोटा था, आज तो और छोटा है, कल उससे भी छोटा हो सकता है, हो सकता है कि हो सकता है, ठीक। बुक पढ़िए, बुक का कोई भी लाइन नहीं समझ में आता है तो हम तो है ही हैं सामने आपके पास, इसके बावजूद भी आधा घंटा आपसे मिल लेंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल।